मैं कोशिश यही करती थी कि मेरे बच्चे झूठ ना बोलें और कभी चोरी ना करें। मैं शादी से पहले बहुत बहुत कहते हैं ना ऐश में रही थी, बहुत ऐश में रही थी। और जब मेरी शादी हुई ना तो सही है, मैं कहती हूँ नसीब है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार का बहुत करम है। Hey everyone, welcome back to my new vlog and assalamu alaikum। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इन कपड़े क्यों पहने हुए, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर, बाहर जा रही हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ। बकवास करी मूवी दिखाने के लिए पतीला ले आई है, इसकी पंजाबी मुझे ज़रा समझ नहीं आ रही है। पंजाबी आती है कोई इंटरेस्टिंग नहीं है गाइस, बहुत ही गंदी मूवी है, पंजाबी तो भी समझ नहीं आ रही। बकवास तरीन मूवी जिसकी पंजाबी मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, मोड़िया बकवास सड़ी हुई मूवी जिसकी पंजाबी मुझे सर पे से गुजर रही थी। इतनी अच्छी मूवी है, खुश हो इतनी अच्छी पंजाबी में कख मुझे समझ नहीं आ रही। बकवास नहीं करो, चलो गलत रिव्यूज नहीं दो, अच्छी मूवी है, सड़ी हुई मूवी बिल्कुल अपने जैसी, तुम्हारे जैसी ना मोटी बम। हाँ तो आपने क्या सोच के मुझे ये मूवी दिखाने आप लेकर आई हैं? यार अच्छी मूवी थी, गलत रिव्यूज नहीं दो और लोग नहीं देखने दिखाने। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी, बहुत मजेदार, पंजाबी समझ नहीं आई मेरे को बिल्कुल। मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी मूवी खत्म हो गई थी तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, हम लोग फूड स्ट्रीट आए सिंधी मुस्लिम की, अब सोच रहे क्या खाएं। मेरी कीड़े निकल गई थी चप्पल की गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं फूड स्टैंड और हम लोग बहुत मजा करने वाले हैं, है ना? Yes. चश्मा अच्छा लग रहा है मुझको ये। जीरा इज वेरी हंग्री टू ईट फूड और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्याला ला के दे दिया। क्यों फजीला? अभी खाना आएगा, अभी खाना आएगा और हम लोग खाना खाएंगे। मुझे तो कोई भूख नहीं है क्योंकि मैं डाइट पे हूँ और सूप मंगाया मैंने अपने लिए, मैं सूप ही हूँ आज, सिर्फ सूप। खाना फजीला? यस। और ये रहा जैसे कि मैंने बताया मेरा सूप और ये है फजीला का स्टेक। शोर बहुत आ रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है उस शोर से? बहुत चीड़ हो रही है, मेरा दिल चाह रहा है जाके मैं थप्पड़ ना। गाइस वहाँ पे लड़कियाँ कुछ बैठी हैं, वो बहुत ज्यादा। ठीक है अपनी बात अपने तक रखो, और लोग बैठे हैं सबका ख्याल करना पड़ता है, अब तुम वो फाड़ फाड़ के हाथ से फिर तुम भी डिस्टर्ब करो। और मेरा आज का कॉम्बिनेशन है मिंट लेमनेट और सूप, जो कि बहुत ही बकवास कॉम्बिनेशन था, गलती से मैंने मंगा लिया मिंट लेमनेट। ये दुबई से आया है। यस। और ये कनाडा से आया है, ये इंडिया से आया, ये इंडिया और ये दुबई। सो गाइस नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू बोल और बोल में आज हमें मिलने वाला है हमारा जहेज, पैसा का सामान, पैसा जहेज। हम अपने मायके जा रहे हैं। यस चलो बैठे आओ। सो हम लोग बोल आ चुके हैं। ओह माय गॉड ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? ओफो आप लोगों को मैं आज के BTS दिखाती हूँ। मैं गेम शो पे आई हूँ अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, मेरे बच्चे बहुत अच्छे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा, वेरी वेरी VIP गाइस, वेरी वेरी VIP, वेरी वेल प्लेड एज यूजुअल इन द मॉर्निंग। ओके आप लोग अच्छा गाइस ये लोग जो है ना डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। BTS रेडी? और ये लोग यहाँ पे तालियां बजा रहे हैं। जर्नाब की शक्ल पे बहुत परेशानी नजर आ रही है मुझे, क्योंकि अभी उसकी बारी है तो वो थोड़ा सोच रही है, लेकिन थोड़ा टाइम मिल गया। क्या अच्छा है, मेरा हाथ का थोड़ा सा सवाल है, पूछूं? टेंशन से बाहर लाना चाहती हूँ मैं आपको। अच्छा मेरा सवाल ये है आज का कि मतलब आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए कि आप सारा काम वाम छोड़ के घर बैठ जाओ? हाँ फिर भी हो जाएंगे नहीं, वैसे फिर भी एक सवाल है। मुझे बड़ी फैमिली चाहिए, मतलब मैं चाहती हूँ मेरे माशाल्लाह
आपको जो है ना कितने मतलब इतने पैसे कमाओ कितना होना चाहिए जीने के लिए इन्फिनिटी कहती है यार मतलब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ गुजारने की डिजायर भी नहीं है मतलब इस तरह हो गया मैं अपनी अपने बच्चों की अपने वालदैन की मेरी सास ससुर जो भी मतलब मेरी पूरी जो फैमिली होगी ना उनकी जरूरतें बेसिक रोटी तीन वक्त की अच्छी मिल जाए हलाल कपड़े अच्छे पहनने को मिल जाए अपनी सवारी होगी क्योंकि सवारी तो सवारी गाड़ी बहुत जरूरी है अच्छी बस उसके बाद और आप क्या चाहती हैं आपको कितना जीने के लिए कितने पैसे चाहिए जितने भी हो कम है फिर भी नहीं बंदे को नहीं जैसे बंदे को ख्वाहिश होती है इस वक्त मेरे पास मेरे बैंक पे इतना अमाउंट होना चाहिए नहीं मेरी ख्वाहिश नहीं है मुझे लगता है तो नसीब का मिल जाता है लेकिन मेरी कोई इतनी अमाउंट मैं बता भी नहीं सकती कि पूरी जिंदगी क्या पता मर जाऊँ मैं पीछे रह जाऊँ जो बात है जो बात है किसका कम पढ़ने चाहिए बच्चों के लिए मैं हमेशा सोचती हूँ ना कि बड़ी फैमिली जैसे हमारी बड़ी मुझे तो टूरिस्ट पकड़ने एक साथ सात बच्चे हैं मुझे सबसे पहले मेरी बेटी होगी इंशाल्लाह ताला उसके बाद मेरा ट्विन्स होंगे ठीक है वो बेटा बेटी नाम भी सोच नाम बताऊंगी नहीं आया कोई और रख ले फिर पहले मैंने अपने खानदान के सारे जो मेरा नाम रखने थे मैंने खानदान में बच्चों के रखवा लिया अच्छा पहले मेरी बेटी होगी फिर मेरे ट्विन्स होंगे वो लड़का लड़की ठीक है तीन होगा उसके बाद मेरा बेटा होगा फिर बेटा होगा उसके बाद फिर बेटी होगी इंशाल्लाह एक बेटे के मेरी कलर आइज आज का मेरा थंबनेल होगा करना आपको कितने बच्चे चाहिए अरे अस्सलाम वालेकुम कैसे भाई अल्लाह का शुक्र कैसे यार अल्लाह तुम लोग ब्लॉग वाले ना खुदा की कसम दोस्त में जाओगे क्यों यार हम इतने पैसे कमा रहे हैं ऐसे मत बोलो इसी पे हमने मोबाइल गाड़ी सब इसी से ले रहे हैं अपना पेट भी इसी से पाल रहे हैं तो गिफ्ट में चाहती ना फोन दे दिया बर्थडे गिफ्ट है ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है ना ये बर्थडे गिफ्ट है ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है सवाल कुछ हुआ सबसे पहले मैं अब्दुल्ला से पूछूंगी सबर चलो अब्दुल्ला आज का सवाल ये है कि आपको आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए मतलब आप बोलो कि इतने हो तो मैं जो ना सुकून की जिंदगी गुजारूं मुझे जिंदगी जीने के लिए पैसे नहीं चाहिए मुझे जिंदगी जीने के लिए एक अच्छा मुल्क चाहिए अब एक अच्छा हम सफर चाहिए हम सफर नहीं चाहिए भाई जिंदगी जीने के लिए एक अच्छा मुल्क चाहिए मुल्क अच्छा होगा तो हम सफर ऑटोमेटिक अच्छा होगा हमारे मुल्क में इतनी बर्बादी हुई हुई है हर चीज महंगी नहीं लेकिन फिर भी देखो ये एक क्वेश्चन है इसका आपको जवाब देना मतलब टोटल आपको कितने कितने पैसे चाहिए मतलब आप चाहते हो कि अभी मेरे अकाउंट में इतने पैसे हो मुझे इतने पैसों की नीड है मेरे अकाउंट में मेरे अकाउंट में इतना पैसा हो कि मैं जिंदगी जीने में क्या वर्ल्ड बैंक नहीं नहीं वर्ल्ड बैंक इतना पैसा नहीं हो कि लोग पीछे लग जाए बट नॉर्मल हो 2-4 करोड़ इतने में आप अपनी जिंदगी आराम से बाकी फिर पैसे से पैसा बनाएंगे ना मेहनत करें नहीं कमाना ना पड़े ना इतना हो मतलब करोड़ों में बताना उसको कमाना पड़ेगा ना ये तो पता नहीं आप अपना बिजनेस खोल लोगे बिजनेस करूंगा अपना $5 अरब से आप अपनी पूरी जिंदगी जी लोगे मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा कट जाएगी जिंदगी ये मेरे सवाल का पहला जवाब था जिसने टोटल पैसे बताए जिंदगी नहीं रही फिर क्या करेगा ये अबे तो जिंदगी नहीं रही खत्म ना फिर अभी तो मेरा वो पैसा आप किसको दोगे क्यों आप बोला मुझे जिंदगी जीनी है अब वो मेरी एक साल रहे भाई साठ साल रहे हमने तो चैरिटी में देने ठीक है ठीक है 5 करोड़ डन डन आज मेरे व्लॉग का एक ऐसा कुछ नहीं बोल रही अच्छी लग रही हूँ माशाल्लाह से अच्छा मेरा सवाल आज का ये कि आपको अपनी जिंदगी में कितने पैसे चाहिए कि आप बोलो कि इतने पैसे होंगे मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी मतलब कोई बताने नंबर मेरे हाथ में तो आते वैसे कितने तुम बोलो कि चलो ठीक है इतने आएंगे ना मैं इतनी में जिंदगी जीनूंगी सुकून की जिंदगी होगी पूरी जिंदगी हाँ पूरी जिंदगी
यार ऐसे मुझे नंबर नहीं पता, मुझे बहुत सारे पैसे हो गए, दुआ को बहुत सारे पैसे भी लगाते हैं। बस शो खत्म हो गया गाइस, अब हम लोग शो से निकल चुके हैं, स्टार्ट हो गया। खैर आई वाज सेइंग कि यू हैव माशाल्लाह टैलेंट, कि आप सिंगर हैं एंड आई हैव टैलेंट एज वेल। वो क्या है कि मैं अच्छा डांस करती हूँ। आज का मेरा ये सवाल था सबसे, तुमसे भी कर रही हूँ, पहले मैं सबको बता दूँ। मैं गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने सोचा मैं घर वालों से सवाल करूँ। मेरी अदाएँ अपने अंदर मत लाओ, लोग कुछ और सुनेंगे। अच्छा अम्मा आपसे भी सवाल है, फारिस से भी सवाल है, सबसे सवाल है। अच्छा आज का सवाल मेरा ये है कि आपको जीने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, मतलब कि आप बोलो कि मेरे पास अल्लाह पाक इतने पैसे आ जाए, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हों तो मतलब मेरी ज़िंदगी मतलब ठीक है, चला लूँगा इतने पैसों से, इतना चाहिए मुझे मेरी ज़िंदगी में मतलब अमाउंट। हमारे पास यानी कि एक वो है कि मतलब अब हमारे इतने पैसे देंगे उसके बाद हमें कोई पैसा नहीं, ये बोल ली। हाँ मतलब आपको आपको कमाना ना पड़े और आपकी इतनी लिमिट हो। नहीं मतलब दीदी कि चराव चराव वो किया जिन आया जिन बोलेगा, बच्चों इतना मिल गया तो बस अब इसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी कुछ मतलब अब आप ये समझ लें कि आपने मुझसे बोला कि इतने पैसे दे दो पूरी ज़िंदगी इसमें जी लूँगी। इस चीज़ की लिमिट तो कोई भी नहीं बता सकता पूरी ज़िंदगी जीने के लिए। ज़िंदगी जीने के लिए एक बात याद रखना, ये तुमने ज़िंदगी का सवाल किया है, तुमने किसी और का सवाल नहीं किया, तुमने ज़िंदगी का सवाल किया। ज़िंदगी का मतलब ये है कि हर लाइफ अच्छी होती है, और आपको याद है कि आपकी वो लाइफ भी आपको याद होगी कि जब आप बहुत कम में भी जो वो बकौल आपके कि मैं बिरयानी के साथ रोटी खा लिया करती थी, तो वो भी बहुत खूबसूरत लाइफ थी। मतलब इतना होना चाहिए कि अल्लाह पाक इतना दे कि इज्जत से खा लें बस। लेकिन बहुत ज़्यादा कि अगर आप तवक्को करते हो कि अल्लाह पाक हमें इतना दे कि हम पूरी ज़िंदगी जी लेंगे या इतने में जी लेंगे, तो ये कोई भी नहीं बता सकता। भाई ये एक ऐसी बस ऐसे ही सवाल है, मिसाल के तौर पर मैंने तुमसे ये तुमसे ही मांगे, खुद से नहीं कमाया। अरे मैं बोल रहा हूँ मिसाल के तौर पर मैंने तुमसे मांग लिए चलो 1 करोड़ रुपए, ठीक है कितने से? अरे सुन तो ले मेरी बहन, मैं कल ही मर गई तो मैं 1 करोड़ का क्या करूँगा। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, जिंदगी का तो कुछ पता ही नहीं। जिंदगी का दुख सुख हंसी मजाक और अच्छे दिन बुरे दिन सब बहुत अच्छे। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊँ, वैसे तुम मुझे तुम्हारे से एक सवाल है, वो दिन कैसे थे जब परेशानियां भी थी और खूबसूरत थे वो अच्छे थे ना, बहुत सुकून था प्यार मैं मतलब मुझे आज तक याद है कि जब हम लोग स्कूल से आते थे एक एक वक्त ऐसा था कि मेरा बिरयानी खाने को बड़ा दिल चाह रहा था और मैंने मम्मा को कहा तो मम्मा ने बिरयानी के इतने पैसे नहीं थे तो अब मुझे आज तक याद है मम्मा ने जो है बिरयानी हम लोग के लिए मंगाई और मम्मा ने झूले लाल की बिरयानी मिलती थी कलंदरिया चौक था ना वो भुट्टो कॉलोनी में रहते थे हम लोग तो बड़ा दिल चाह रहा था तो मम्मा ने कहा कि झूले लाल की बिरयानी भाई को कहा कि जाओ लेकर आओ और साथ में 5 तंदूर की रोटियां लेके आना तो वो लेकर आया। हमें बिरयानी खाने का दिल था, 3 बिरयानियां ही मेरे ख्याल से उस वक्त 30-30 रुपये की 30 रुपये की एक बिरयानी आती थी चिकन वाली तो हम लोगों ने रोटी के साथ खाई और हमारा पेट भी भर गया, हमने बिरयानी का टेस्ट भी ले लिया और हमें मज़ा भी बहुत आया। अच्छा अब ऐसा होता है कि मैं किसी शादी वगैरह में भी जाती हूँ ना तो मैं रोटी के साथ थोड़ा खाती हूँ बिरयानी, लेकिन खाती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग देखते हैं मजाक भी उड़ाते हैं और ये सोचते हैं कि बिरयानी के साथ कौन रोटी खाता है, तो मुझे मैं अपना अभी तक पिछला वक्त नहीं भूली कि उस वक्त हम हालात की वजह से इस तरह खाते थे और आज हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। तो मैं आप ही की इस बात पे एक बात बताती हूँ, बहुत सारी बातें हैं मुझे इसलिए भी याद हैं क्योंकि मम्मा मेरे साथ ये सीन होता था जो हमारी कैंटीन वाली वो थी ना आंटी दायची, ऐसा अकेडमी में भी मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे। आयत को अभी 30 रुपये चीज़ के मिलते हैं, आज भी 30 रुपये मिलते हैं उसे और अब 50 हो गए तो हमारे लिए 30 और 50 अभी भी मैं देती हूँ मम्मा 50 रुपये 30 रुपये मिल रहे हैं लेकिन और मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। बात बताएं कि वो तब अभी उसको 50 रुपये मिलते हैं वो भी कभी, वरना वो जब जितने दिन स्कूल नहीं जाती है कभी नहीं मिलता तो वो उसको नहीं मिलते, वो मांगती भी नहीं है, वो कहती भी नहीं है कि मुझे चीज़ के पैसे नहीं मिले। तो मतलब आप लोग तो ये था ना कि आप लोग स्कूल जाओ या ना जाओ आपको रोज़ के पैसे मिलना ज़रूरी है 2 रुपये, तो उस टाइम 2 रुपये थे सही। अच्छा
दफ़ा मैंने ना क्या करा, स्कूल जाने तक के दिन अम्मा के उठा लिए 100 रुपये से पड़ गए, मतलब कल जाऊँगा बड़ी चीज़ें खाऊँगा। अब चीज़ें निकलवा भी ली कैंटीन वाली आंटी से ना, टोटल बिल बना 20 रुपये। अब जब कैंटीन वाली आंटी को 100 रुपये देगा बोलती है मेरे पास खुला नहीं है जाओ यहाँ से। अब वो 100 रुपये मतलब आज पैसे है तो चीज़ नहीं। मैं पूरा दिन नोट लेके घूमता रहा, मुझे कहीं खुला ना मिला, आखिर में ले आके नोट मैंने वहीं रख दिया। अल्लाह का शुक्र है इस मामले में मेरे मन से बहुत। मैं सिर्फ इतना याद करती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, चीज़ वाली आंटी के साथ खड़ी होती थी मैं दहचेस अकेडमी में, और बच्चे रश लग जाता था तो मैं उनके साथ चीज़ें मतलब बच्चों को देती थी और पैसे लेती थी, और उनके पैसे ना सेव करती थी, क्योंकि ऐसा होता था बच्चे चीज़ें भी उठा लेते थे आगे से, जब एंड में बच्चे चले जाते थे ख़त्म तो वो मुझे एक चीज़ निकाल के उसमें से दे दिया करती थी। तो मतलब ऐसा भी था, और मतलब बड़ी खुशी होती थी कि चलो किसी की हेल्प करें कुछ करें, तो वो उसमें से हमें ऐसा वक्त गुजारा है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मम्मा पापा ने हमें चाहे कैसे भी हालात हों कुछ भी हो हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में ही पढ़ाया। अपन अम्मा कॉल करी, हमारे एचएस वाले या कितने खाली वहीं ले जाते थे या कितने पीएफ म्यूजियम उसके अलावा कहीं ले जाते नहीं थे। अब मैंने अम्मा को बोला था कि मुझे जाना है, मुझे पैसे जमा कराने, तो मुझे मैम ने बोला कि भाई आज लास्ट डेट है पैसे जमा कराने, कल जा रहे हैं हम लोग पिकनिक पे। अब मैं क्या बाबा के पास चौकीदार के पास था, क्या कहते हैं उस टाइम यानी कि इतना हमारे पास पैसा भी नहीं था, हम लोग नॉर्मल थे, फीसें बड़ी मुश्किल से जाती थी हमारी, क्या कहते हैं मैं क्या चौकीदार के पास, मैंने मेरी मम्मा को कॉल करी, मम्मा उनको ना मोबाइल नंबर दिया हुआ था कि तो मस्त हो रहा बच्चों को तो मुझे कॉल करें, मैं कॉल करी भाई मेरे अभी पैसे जमा कराने हैं फटाफट आए। अम्मा बैठी चिंची में और डायरेक्ट उतरी स्कूल के दरवाजे पर। अब कितने पैसे जमा कराने थे 250 रुपये। अब अम्मा वहाँ घर से स्कूल तक गए 250 रुपये जमा कराने कि मैं पीएफ जाऊँ। बड़ा अच्छा वक्त था, बड़ा अच्छा लगता था, बहुत प्यारा वक्त था। तो मतलब आज अच्छा मैंने आज सबसे ये सवाल करा क्योंकि यही सारी बातें थी जहन में भी घूमती थी, कितना मोटा मच्छर और उसने तुम्हारा अच्छा खासा खून पी लिया, खैर यही सारी बातें थी। और ऐसा भी वक्त है मतलब आप लोग कभी भी ये सामने वाले को देखकर कभी भी ये मत सोचिएगा कि वो हमेशा वो हमसे ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोग हैं कि ब्लॉग में काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, वो कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़। आप क्यों रो रही हैं? मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया और ये व्लॉग यहाँ मैं एंड कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि मैंने मेरा सवाल आज इसलिए ये था क्योंकि मैं ये बात याद कर रही थी कि मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहती हूँ, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो बोलते हैं इसको देखो इसके कितने व्यूज आते हैं, ये कितने पैसे कमा रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो वक्त आप लोगों के साथ चल रहा है हमने वो वक्त गुजार दिया है। जिंदगी में हमेशा इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी मेहनत खत्म नहीं करनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। मेरी औलाद ने, मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी औलाद ने मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं, और अभी तक मेरे चारों बच्चों ने मुझे कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया, कभी झूठ नहीं बोला। इवन के मैं जहाँ रहती थी मेरे बच्चे छोटे थे, उन लोगों ने आके मुझे बोला कि यार आपके मेरे बच्चे पड़ोस में जाते थे तो नानी और आनी बोलते थे पड़ोसियों के लिए, तो उन्होंने भी आके मुझे बोला कि पानी भी मटके पे पैसे पड़े थे मक्का रखा हुआ, लेकिन दुआ ने उठाए तक नहीं। मतलब कभी भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बच्चों ने कहीं से पैसे उठाए हों या किसी के पैसे, मतलब मेरे घर में भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं कोशिश यही करती थी कि मेरे बच्चे झूठ ना बोलें और कभी चोरी ना करें। मैं शादी से पहले बहुत बहुत कहते हैं ना ऐश में रही थी, बहुत ऐश में रही थी, और जब मेरी शादी हुई ना तो सही है, मैं कहती हूँ नसीब है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार का बहुत करम है कि जितना मिला बहुत अच्छा मिला, वो दिन भी चंगे थे और ये भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे लिए हर दिन चंगा है, मैं कोई दिन भी ऐसा नहीं कहती कि बुरा था, हालात तंग थे तो तब मेरे दिन बुरे थे, नहीं वो भी बहुत अच्छे दिन थे, वो मेरे अल्लाह पाक की आजमाइश थी और अभी भी बहुत अच्छे हैं। बस ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक बस मेरे बच्चों का नसीब अच्छा करे, और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतनी बातें दिलों में हैं मेरे बच्चों के कि सब याद है उनको। हाँ ये है कि मैं कभी पीछे नहीं हटी अपने बच्चों के लिए, कभी भी जब भी उनको किसी चीज़ की मेरी ज़रूरत महसूस हुई।
मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो नज़र आता है ना हमारे ब्लॉग में, सब रियलिटी दिखाती हूँ, सब हकीकत दिखाती हूँ। इतनी बुरी चीज़ें देखी है ना हम लोगों ने, अच्छा ख़ानदान लोगों को, ख़ानदान को फेस करना। अभी भी मेरे ख़ानदान के बहुत से लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, बहुत सी बातें बनाते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं। अब चाहे वो हमारे घर को बोलें या हमें बोलें या मुझे बोलें, क्योंकि मुझे लेके बहुत सारी बातें उठी हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आज ऐसे ही बस दिल में था तो शेयर कर दिया और ये बातें कर दी। तो बस बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ या कभी दिल में कोई बात होती है कर देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैंने सोचा, मैंने बाहर का आज पूरा दिन का व्लॉग बनाया, घर वालों के साथ नहीं बनाया, तो आप लोग बोलते हैं कि आप घर पे आपने अपने घर वालों के साथ नहीं बनाया, मज़ा नहीं आया, तो इसलिए मैंने बनाया घर पे आके भी। और आई होप कि पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा और किसी की भी ज़िंदगी को देख के ये मत सोचें कि इसकी ज़िंदगी बहुत लग्जरी है और ये बहुत खुश है और अच्छे से रह रही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इंसान की हाइट भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ों में आप ये बहुत ऐसी गलत बातें भी आप लोग करते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इंसान की होती हैं, नज़र नहीं आती, लेकिन लोगों को लग रहा होता है कि ऐसा भी है, तो ऐसा नहीं होता है। और लेकिन बहुत अच्छी, बहुत हमारी लाइफ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बात जानती हूँ कि मैं जो काम करती हूँ अपनी फैमिली के साथ रह के करती हूँ। मैं कभी भी ऐसे, मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मेरी फैमिली होती है मेरे साथ। तो बस अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बाय बाय।